नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीबी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूरे देश को झकझोर के रख देने वाला हैदराबाद कांड में एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर उसे जला देने वाले मामले में पाए गए आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। चारों आरोपियों के मरने के बाद भी देशवासियों का रोष कम नहीं हुआ। इस शर्मसार घटना को सुनने के बाद हर किसी के जुबान में केवल यही बात थी कि इन आरोपियों को भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा जाए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इनके हिस्से में एक बहुत ही साधारण मौत लिखी थी, वह भी गलती से। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इन आरोपियों को सजा देने के लिए मन ही नहीं बनाया था, परंतु आरोपियों से गलती यह हुई कि दोबारा इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उन्हें उक्त स्थान पर लेकर गई तो वहां से आरोपियों ने भागने की जहमत उठाई, जिसके चलते पुलिस को ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा। मतलब देखा जाए तो उन अपराधियों को तो उनके अपराधों की सजा मिली ही नहीं है, बल्कि पुलिस को अपने बचाव में यह कदम उठाना पड़ा। हैदराबाद के साद नगर में जानवरों की डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या के केस ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। शुक्रवार सुबह ही केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच के लिए इन आरोपियों को मौकाए वारदात पर लेकर गई थी। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। घटना स्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। इन चारों आरोपियों के इस तरीके से मिली मौत के बाद क्या देशवासियों का रोष कम हो जाएगा, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईडीबी 24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।